नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम झारखंड के चुनावी चक्रव्यूह में। अपनी ही पार्टी और अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ हमेशा मुखर रहने के लिए पहचाने जाने वाले लोबिन हेम्ब्रम, जिन्हें दिशोम गुरु शिबू सोरेन का वफादार कहा जाता है, झारखंड अलग राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन के करीबियों में से एक लोबिन हेम्ब्रम कुछ महीनों पहले तक झारखंड में चर्चा का विषय बने हुए थे। दरअसल लोबिन हेम्ब्रम अक्सर जेएमएम और हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलते नजर आते थे, जिसके चलते उन्हें बागी नेता कहा जाता था। उनकी बगावत तब हद से ज्यादा बढ़ गई जब अपने ही पार्टी के प्रत्याशी यानी जेएमएम प्रत्याशी विजय हास्ता के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 में नामांकन पर्चा भरने पहुंच गए और उन्होंने पर्चा भर भी दिया। हालांकि उन्हें बड़े कम वोट मिले थे और बहुत बुरी तरह से वो राजमहल लोकसभा सीट से हारे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद पार्टी ने उन्हें नाम वापस लेने तक का मौका दिया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने नाम वापस नहीं लिया और नतीजा ये रहा कि चुनाव के बाद पार्टी ने उन्हें सभी पदों से निष्कासित कर दिया। ये सब हुआ शिबू सोरेन के कहने पर। अब इसके बाद लोबिन के पास बीजेपी में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा और चंपई सोरेन के साथ उन्होंने भी बीजेपी से हाथ मिला लिया। हालांकि जेएमएम में रहते लोबिन ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बात कही और कड़े और साफ शब्दों में कहा कि वो बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अब इसके विपरीत लोबिन ने न केवल बीजेपी से हाथ मिलाया बल्कि बीजेपी ने उन्हें उनके ही सीट से टिकट भी दे दिया। बोरियो विधानसभा यूं तो जेएमएम का गढ़ माना जाता है। इस सीट से लोबिन को पिछले विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत मिली थी, लेकिन उस वक्त लोबिन झामुमो में थे और अब लोबिन ने पार्टी बदल दी है। झारखंड अलग राज्य होने के बाद बोरियो में बीजेपी की कुछ खासा पैठ नहीं रही। यही कारण है कि लोबिन को बीजेपी के टिकट पर इस सीट से जीत मिलना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बोरियो में लगभग 47% मतदाता आदिवासी हैं और इस मतदाता पर जेएमएम का जमावड़ा है। हालांकि ये वोट बीजेपी और जेएमएम दोनों के बीच बटेंगे, लेकिन किसको ज्यादा वोट मिलेगा ये नहीं कह सकते। इस सीट से जेएमएम ने धनंजय सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि धनंजय सोरेन राजनीति में ना तो पुराने हैं और ना ही उनकी कोई बहुत ज्यादा ब्रांडिंग है। धनंजय के पास अगर कोई फैक्टर है तो उनके पास बड़ा फैक्टर है तीर धनुष, यानी खुद जेएमएम पार्टी। धनंजय को पार्टी के नाम पर वोट मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर जयराम महतो ने बोरियो से उमेश मड़ाइया को मैदान में उतारा है। दोनों ही प्रत्याशी लोबिन के आगे उम्र और तजुर्बे दोनों में ही कम है। दोनों के आगे लोबिन हेम्ब्रम बड़े ब्रांड वाले नेता हैं और राजनीति में लोबिन दोनों से सीनियर भी हैं। लेकिन लोबिन ने अपनी छवि को लोकसभा में थोड़ा सा धूमिल कर लिया है, क्योंकि उन्होंने न केवल पार्टी से बगावत की बल्कि जेएमएम प्रत्याशी से बुरी तरह से हारे भी थे। जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से उनके वोट पर असर जरूर पड़ेगा। हालांकि लोबिन दादा अपने किसी भी सभा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का नाम लेना नहीं भूलते। वो आज भी दिशोम गुरु को अपना आदर्श मानते हैं और शिबू सोरेन वाले फैक्टर को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें शिबू सोरेन से कोई शिकायत नहीं, उन्हें दिक्कत है पार्टी के नेतृत्व से यानी हेमंत सोरेन से। लोबिन कई बार ये कह चुके हैं कि ये पार्टी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है जिसे शिबू सोरेन ने बनाया था। यही वो कारण है कि लोबिन हेम्ब्रम ने झामुमो से बगावत की और बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी के टिकट पर लोबिन हेम्ब्रम को बोरियो विधानसभा सीट पर जीत हासिल होती है या नहीं, ये तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।